हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्नो गुरुजी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओप्पो स्मार्टफोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ओप्पो ने अपना नया स्मार्टफोन ओप्पो F21 प्रो को भारत में लॉन्च कर दिया है। भारत में तथा इसे ग्लोबली दोनों जगह लॉन्च कर दिया गया। दोस्तों, आप इसे बहुत ही जल्दी खरीद पाएंगे। दोस्तों, इस स्मार्टफोन का डिजाइन बहुत ही बेहतरीन सा है। कैमरा मॉड्यूल और बाकी पूरी जो डिजाइन जो होती है, कैमरा मॉड्यूल बिल्कुल अलग सा है दोस्तों, और साइज वगैरह एज वगैरह बहुत ही बेहतरीन सा है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, इसको इस स्मार्टफोन में आपको बिल्कुल प्रीमियम सा एक लुक मिलने वाला है। बहुत ही प्रीमियम सा लुक लगता है दोस्तों देखने में, और इसके कीमत के हिसाब से यह काफ़ी बढ़िया डिजाइन हो सकता है। ये पहला फाइबर ग्लास डिजाइन इसका बैक में दिया गया दोस्तों, जो बहुत ही बेहतरीन सा है, और इसे आप बहुत जल्दी खरीद पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, इसके सभी स्पेसिफिकेशन, फीचर तथा कीमत के बारे में आपको बताते हैं। इससे पहले फ्रेंड, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं दोस्त, इसका डिजाइन बहुत ही प्रीमियम सा फील देता है। बहुत ही प्रीमियम सा लुक आपको इस स्मार्टफोन से मिलने वाला है। और बाकी इसके कलर वेरिएंट की बात करें तो इसको दो कलर वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। एक है ब्लैक और दूसरा है येलो कलर्स। येलो कलर दोस्तों को ज़्यादा बेहतर लगता है देखने में। बाकी आपको जो पसंद आया वो आप इसमें से ले सकते हैं। बाकी डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले भी दोस्तों काफ़ी बेहतरीन सा है। इसके डिस्प्ले की साइज़ की बात करें तो इसकी जो डिस्प्ले है वह 6.4 इंच की फुल HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। डिस्प्ले की रिफ्रेश रेट भी काफ़ी अच्छी है। रिफ्रेश रेट 90Hz की है और 180Hz की TSR रेट से, जो कि काफ़ी अच्छी होती है दोस्तों। आपको धूप वगैरह में काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस आपको इस स्मार्टफोन से मिलने वाली है। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 680 का प्रोसेसर मिलने वाला है, जो कि 6nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। लेकिन दोस्तों, ये एक 4G प्रोसेसर है। यह स्मार्टफोन 4G ही है, ये आपको 5G स्मार्टफोन यह बिल्कुल भी नहीं है। तो थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए था दोस्तों, 5G होना चाहिए था, और यह चिपसेट थोड़ा सा और बेहतर होना चाहिए था, क्योंकि दोस्तों इसकी जो कीमत है उस हिसाब से यह चिपसेट सूटेबल नहीं होता है। क्योंकि ये जो चिपसेट है, इससे 4-5 हज़ार रुपये कम कीमत में भी यह चिपसेट मिल जाता है। चलिए दोस्तों, ये तो हो गई प्रोसेसर की बात, और बाकी इसके रैम वेरिएंट की बात करें तो इसे सिर्फ एक रैम वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। 8GB रैम, 128GB स्टोरेज। रैम टाइप है LPDDR4X रैम, और स्टोरेज टाइप है UFX 2.2। बाकी इसके बैटरी की बात करें तो बैटरी भी दोस्तों बहुत बड़ी बैटरी इसमें नहीं मिलेगी आपको। इसमें 4500 mAh की बैटरी मिलने वाली है, जो कि 33W वायर चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगी, जो कि दोस्तों थोड़ा सा इसको भी बेटर करना चाहिए था ओप्पो को। यह भी थोड़ी सी स्लो स्पीड हो जाती है, क्योंकि इस स्पीड में आपको करीब करीब अपने स्मार्टफोन को चार्ज करने में 1 से 1.20 घंटे के आसपास में लग जाएगा। सबसे बेहतर बात जो दोस्तों इस स्मार्टफोन की है, वह है कैमरा। कैमरा दोस्तों बहुत ही बेहतरीन दिया गया है। कैमरे में भी कुछ कमियाँ वो आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके मेन कैमरे की। मेन कैमरा दोस्तों बहुत ही बेहतरीन सा सोनी का सेंसर, 64 MP का मेन कैमरा है। 2 MP का माइक्रो लेंस है, 2 MP का डेप्थ सेंसर है। दोस्तों, जो डेप्थ सेंसर है उसके अलग से एक एज लाइट लगी हुई है, जो कि आपको बहुत ही माइक्रो फोटो लेने में बहुत आसानी होने वाली है इससे। बाकी दोस्तों, इस प्राइस पॉइंट में अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर होना चाहिए था, जो कि स्मार्टफोन में मिसिंग है। बाकी सेल्फी कैमरे की बात करें, इसमें आपको 32 MP का सेल्फी कैमरा मिलने वाला है, वो भी सोनी IMX709 का प्रोसेसर चिपसेट है, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेस करता है फोटो वगैरह को। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी कीमत की। इसकी कीमत दोस्तों 22,999 रखी गई है, और इस प्राइस रेंज पे दोस्तों हमें दो चीज़ें और चाहिए थी। एक तो प्रोसेसर इससे बेहतर होना चाहिए था, स्मार्टफोन 5G होना चाहिए था, और अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर होना चाहिए था। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं स्मार्टफोन के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।